दोस्तों, कई लोगों को कसरत का ठीक तरीका नहीं आता, वो इंजरी कर लेते हैं, खुद को चोट पहुंचा लेते हैं। ऐसी होती है नेक की कसरत, ट्राइब्स की कसरत। तो आपको भाई सिखाएंगे ठीक तरीका कैसे करते हैं कसरत का। कालर के सिर्फ दो एक्सरसाइज है मेन, बाकी सब एक्सरसाइज फालतू है। मैं दो एक्सरसाइज बता रहा हूं, अगर ये कंटिन्यू 60 दिन लगा लेगा कोई भी व्यक्ति तो उसके कालर में इंप्रूवमेंट आ जाएगा। चलो ठीक है, देखते हैं अपन। दोस्तों, सही तरीका सीखें कसरत का, भाई आपको बताएंगे सही तरीका। पहले आपको कॉलर की बताई थी, अब बैक की, फिर अपर चेस्ट की बताएंगे। चलिए भाई, आप शुरू बैक की कीजिए। एक्सरसाइज का सही तरीका ये है, जरा सामने से। अच्छा, यहाँ चेस्ट के पास आना चाहिए। और गलत तरीका क्या है इसका, लोग गलत करते हैं। अच्छा, ऐसा खींच खींच के करते हैं, इधर आगे पीछे करते हैं, और एक पीछे भी लाते हैं, वो कैसा रहता है? अच्छा, वो तो ठीक रहता है। अगली कौन सी? अगली अपर चेस्ट। दोस्तों अपर चेस्ट देखते हैं अपन। ये जो रहते हैं ना ऊपर वाले गड्ढे, ये भगा नहीं पाते, और वो भी हर कई राड चलाते हैं। हाँ, नीचे के चेस्ट तो सभी के बन जाते हैं, अपर चेस्ट में काफी प्रॉब्लम आती है। आप देखिए इधर सामने। तरीका ये है, कमर के यहाँ गेप रहेगी। हाँ, कमर के अंदर गेप रखना बहुत जरूरी है। हाँ, और चेस्ट उठाकर आपकी ग्रीप पकड़ ले, और ग्रीप हमेशा मुट्ठी बांध के पकड़े, और इसको आप अपने बिल्कुल दाढ़ी से टच करके चला, और हाथ सीधे करना कोई जरूरी नहीं। इतने भी रहेगा ना तो आपके अपर चेस्ट का वर्कआउट हो जाएगा, और कम से कम 5 राउंड जरूर लगाएं अपर चेस्ट के, 5 राउंड। मुश्किल रहता है वो। अच्छा, वो कई लोग ऐसे करते हैं, वेट बड़ा बड़ा के करते हैं, और कई लोग वेट कम करते करते आते हैं, तो कौन सा तरीका ठीक रहता है? नहीं, वो अगर बॉडी बिल्डिंग की तैयारी कर रहा है तो वो माइनस में पहले हेवी करता है फिर लाइट करता है, तो आप उनको देख के मत लगाओ। नॉर्मल इंसान के लिए तो यही ठीक है। हाँ, कि वजन बढ़ाते रहो धीरे धीरे। हाँ, ये एक वजन रखो। ट्राइसेप की बात। हाँ, ट्राइसेप की ओर देख। दोस्तों ट्राइसेप का सही तरीका सीखते हैं। ट्राइसेप में क्या करते हैं, एक्चुअली सब लोग उन्हों जहाँ पे मशीन रखी रहती है वहीं से उसे चालू करते हैं। हाँ, बाकी इसका सही तरीका ये है, इसको कम से कम आपके हाइट के ऊपर ले। हर व्यक्ति की अपनी हाइट के अनुसार इसको रखना जरूरी है। इस तरीके से पकड़े, एक वेयर आगे, ये हाथ को पूरा पीछे जान दे, रोके ना। अब लोग बात क्या करते हैं, ऐसे लगाते हैं, ये है गलत तरीका। सही तरीका ये है कि उसको पूरा पीछे जान दे, और एक और ट्राइसेप की एक्सरसाइज करते हैं, इसको पास से पकड़ के लगाई जाती है सीधे होके, बस ये पोजीशन। और इसको कोने सीधी करना कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ कोने हल्की सी बेंड भी रहेगी ना तो आपके ट्राइसेप चलेगी। ऊपर जान दो, शोल्डर को हिलाना नहीं है बिल्कुल भी। और ये क्या ग्रेविटी का खेल है, इसको अपन छोड़ेंगे तो कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। ऊपर जाएगी तो आप उसको ऊपर आने से तो रोक लेते हो, इतने इतने लगाते हैं, ऊपर आने से ही ट्राइसेप बनेगी। तो दोस्तों देखा आपने सही तरीका। अब वैसे तो बहुत सारी एक्सरसाइज है लेकिन इतनी सारी दिखा नहीं पाएंगे, टाइम की कमी है। तो हम अर्शद भाई का धन्यवाद करते हैं कि आपको उन्होंने सही तरीका सिखाया है। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी वर्कआउट लेकर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद अर्शद भाई। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।